बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ चेंज। लास्ट वीडियो में हमने इनिशिएटिव की बात की थी। सो इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर सबसे मुबारक इनिशिएटिव कुरान मजीद की तिलावत और फिर कुरान मजीद की तकमील हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में खुसूसी तौर पर जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौर किया करते थे, और जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई उस साल आपने जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ दो मरतबा कुरान मजीद का दौर किया। क्या आप जानते हैं कि एक मरतबा मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने से आपके नामा अमाल में 30 लाख नेकियों का इजाफा होता है। कुरान मजीद को पकड़ने का सवाब अलग से है, उसको देखने का सवाब अलग से है, आपकी ज़ुबान जो हरकत करती है उस पर एक एक हरकत में अल्लाह ताला आपके नामा अमाल में सवाब ऐड कर देती है। सो किस तरह हम कोई एक्स्ट्रा बर्डन लिए बगैर इस माह मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत को मुकम्मल कर सकते हैं। हर नमाज के साथ आप कुरान मजीद के 2 औराक की तिलावत कीजिए। इस तरह एक दिन में आपके मुकम्मल 10 औराक होंगे और आपका 1 सुपारा मुकम्मल हो जाएगा। और इसी तरह आप माह मुबारक के अंदर 1 मरतबा कुरान मजीद की तिलावत को मुकम्मल कर लेंगे। और इसी आदत को, इसी इनिशिएटिव को आप रमज़ानुल मुबारक के बाद भी अपनी पूरी लाइफ के अंदर कैरी कर सकते हैं। सो टेक इनिशिएटिव। रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ चेंज। अपनी ज़िंदगी को तब्दील कीजिए और कुरान मजीद की तिलावत को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए।